खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां श्याम लाल सुंदरबनी रैली को संबोधित किए। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को, जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध, ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां तहसील सुंदरबनी में श्री श्यामलाल सुंदरबनी रैली को संबोधित किया। इस रैली में पूर्व मंत्री श्रीमती प्रिया सेठी जी, जिला अध्यक्ष श्रीमती नीना शर्मा, विधानसभा प्रभारी श्री ठाकुर रणधीर सिंह जी, डीडीसी राजेंद्र शर्मा और श्रीमती संगीता शर्मा, जिला महामंत्री श्री प्रीतम शर्मा, पूर्व नगर पालिका चेयरमैन राजेंद्र शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा युवराज सिंह, जिला युवा मोर्चा प्रधान प्रीतम शर्मा, राकेश शर्मा, मंडल अध्यक्ष श्री नसीम सिंह, श्री सुखदेव जी, श्री मदन पाल, विक्रम शर्मा, जिला रियासी संसदीय क्षेत्र के विधानसभा कालाकोट सुंदरबनी में बीजेपी प्रत्याशी श्री जुगल किशोर शर्मा जी के पक्ष में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और लोगों से बीजेपी के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने को कहा। और 26 तारीख को वोट 95% वोट मोदी को पड़ने चाहिए। देखिए सुंदरबनी से रिपोर्टिंग इंचार्ज राजेंद्र सिंह की रिपोर्ट। और उनके साथी जो जनसभा बुलाए, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि हमारे कार्यकर्ताओं की जो अंथक प्रयास है, भारतीय जनता पार्टी 24/7 जो है वो इलेक्शन बोर्ड में रहती है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है वो राष्ट्र से लेकर नीचे पन्ना परवारी और पन्ना परवारी के नीचे भी जो हमारी है वो बूथ कमेटी है और उनके नीचे हैं। तो मैं आज का प्रोग्राम जो है वो यहाँ के संगठन को और खसूस तौर पर जिला अध्यक्ष जी को और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद भी करता हूँ और मुबारकबाद भी देता हूँ। और जो जनता जनार्दन यहाँ पे आई हुई है, क्योंकि इस समय कटाई का भी बहुत बड़ा सीजन है, तो आपने देखा ये मोदी जी का के प्रति लोगों का प्यार है, श्रद्धा है मोदी जी के प्रति, और वो मोदी जी को आशीर्वाद देने लोग आए थे। और आप वो 26 तारीख को आप देखेंगे कि कालाकोट और सुंदरबनी जो हमारी सेगमेंट है, मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा वोटों से लीड करेगा। सर एक विधान एक संविधान, इनको लेकर सर क्या कहेंगे? अब रहा एक विधान एक प्रधान एक निशान, वो तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो पहले जनसंघ के प्रमुख थे, अध्यक्ष थे, उन्होंने यहाँ उसकी बलिदान दिया था, शहादत दी थी। और भारतीय जनता पार्टी को जब 303 मिली 303, तो उन्होंने सबसे पहले 370 का काम किया और उसको दफन कर दिया है। सर हम आपसे जानना चाहते हैं, यहाँ पर 26 को चुनाव होने, लेकिन गौरी अनंतराम सीट पर अभी तक भाजपा में कोई कैंडिडेट नहीं है, क्या लग रहा है भाजपा डर चुकी है? देखिए, भाजपा ना डरती है, भाजपा तब नहीं डरी जब उन्होंने पहले जनरल इलेक्शन में 3 सीटें जीती थी और उसके बाद 1984 में सिर्फ 2 सीटें रह गई थी भाजपा के, लेकिन उन्होंने अपनी विचारधारा के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जो उनका एजेंडा था राम मंदिर, 370, ट्रिपल तलाक, ये सारी चीज़ें उनके एजेंडे में थी और सब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने जो है उन पर काम किया है और आपको कहीं नजर नहीं आती है, डरते नहीं है। कभी कभी ब्रॉडर, मैं बता रहा हूँ, कभी कभी ब्रॉडर कास्ट के लिए अपने जो छोटे मोटे इंटरेस्ट हैं उनको कहीं ना कहीं एक साइड पे रखना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी जो है, जहाँ पर अमन चैन बहाल होना, वो प्रायोरिटी है। सीटें गिनना जम्मू कश्मीर में हमारी प्रायोरिटी नहीं है। यहाँ सबसे पहले आप देख रहे हैं 35 साल से यहाँ कत्लो गारत रही है और 5 साल से थोड़ा लोग जो है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। आस्ता आस्ता हमारे होम मिनिस्टर जी ने कहा
था कि हम दिल को जीतेंगे जम्मू कश्मीर के लोग। भाजपा के कार्यकर्ता वोट किसको डालेंगे जी? भाजपा के कार्यकर्ता है जो वो रजौरी अनंतनाग सीट से किसको वोट डालेंगे? मुझे लगता है कि समय आने पर इसका भी निवारण होगा और इस पे भी विचार किया जाएगा। सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर ड्यूटी करने भाजपा निकाल पा रही है कहाँ? जम्मू कश्मीर अभी हम दो पे लड़ रहे हैं, दोनों निकालेंगे और बहुत ही रिकॉर्ड मार्जिन से निकालेंगे। जम्मू वाली सीट भी और कठुआ वाली सीट भी जो है वो भी हम अच्छे मार्जिन से निकालेंगे। हर नागरिक की राष्ट्र के प्रति एक जिम्मेवारी बनती है कि हमारा फंडामेंटल राइट हमें बहुत मुश्किल से मिला है जो वोट का अधिकार है। विचारधारा सोच अपनी अपनी हो सकती है लेकिन मैं हर वोटर से विनम्र बेनती करूंगा कि वो अपना वोट कास्ट जरूर करें। सर आप मोदी जी का संदेश लेकर आएंगे जहाँ पर सुंदरबनी की पावन धरती हुई थी, सुंदरबनी और आसपास के लोगों को भिजवा के? मैंने कहा कि मोदी जी ने प्रणाम भेजा और ये कहा है कि मेरी जनता जनार्दन को मेरा प्रणाम देना और वहाँ से मेरे लिए आशीर्वाद ले आना। और ये जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस है यहाँ जो लोगों को लेके आई, ये एक टेलीपैथी चीज है, ये मोदी जी को कन्वे हो गया। वो युग पुरुष है, वो साधारण व्यक्ति नहीं है। भारत माता की, भारत माता की। सभी कार्यकर्ता अपने अपने स्थानों के ऊपर बैठने का कष्ट करें। भारतीय जनता पार्टी के ये शेर कार्यकर्ता बंधुओं और तमाम मेरी बहने बुजुर्ग माता की तरफ से आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। साथियों आप जानते हो कि 26 अप्रैल को हमारा वोटिंग डे है। हमको जो अधिकार, जो हमारा राइट वोट डालने का है, वो 5 सालों के बाद वो दिन आ रहा है। 26 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी के आपके प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह से क्या वो अपनी सैलरी से देश चलाते थे? क्या आप लोग टैक्स वसूल नहीं करते थे? एक प्रधानमंत्री अपनी सैलरी से देश नहीं चला सकता। टैक्स की कलेक्शन होती है तो देश चलता है, लेकिन क्वेश्चन जहां उठता है कि वो टैक्स का पैसा इस देश पे लग रहा है, क्या वो जो आपके नेता लूट कर अपने घरों में बढ़ते रहे, इस जनता को तो किस चीज का है? आपके आज भी हजारों करोड़ आपके नेताओं के घर से मिला है। रविंद्रा जी, हमारे नेताओं ने पिछले 10 साल में एक सिंगल घोटाला इस देश में नहीं हुआ है। जो भी पैसा टैक्स के जाता है, इस देश की उन्नति, इस देश की तरक्की, इस देश को इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए लगता है। इसलिए देश की जनता टैक्स देने के लिए तैयार है, उसका कोई विरोध इस चीज के लिए नहीं है। आप जानते हो कि 2014 से पहले जो देश का माहौल था, जहां हमारे प्रदेश की बात करें तो श्रीनगर में आए दिन ये सुनने को मिलता था कि मिल टोटोला आज जहां अटैक कर दिया, कल वहां अटैक कर दिया। कम से कम 1,00,000 लोगों ने, बेकसूर बेगुनाह लोगों ने अपनी जान दी। आपने रमन बना दी, आपकी सरकार ने उनको बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। अगर आज कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी बंद हो चुकी है, अगर आज कश्मीर के अंदर गोलीबारी बंद हो चुकी है, और अगर आप बोलते होगी देश को बर्बाद करने का दिया, वो बर्बादी आपको मुबारक। देश की जनता को बचाना, देश की जनता को आगे बढ़ाना, इस देश की उन्नति करना, एक देश मजबूत करना है तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना पड़ेगा। कोई काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया वो साथियों एक बात क्या के अपनी बात खत्म करूंगा। साथियों इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बनना इतना ही जरूरी है। आप देख रहे हो कि विदेशी ताकतें इस देश पे निगाह रखे हुए हैं कि कब इस देश को एक कमजोर प्रधानमंत्री को कमजोर सियासतदान मिले तो हम इस पे अपना अटैक करें। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ
हूँ, एक मजबूत सरकार अगर कोई दे सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे सकती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस देश को अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का होना इतना ही जरूरी है जितना आपको जिंदा रहने के लिए सांस लेना जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।